ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिहड़ी सुन के तुसी खुद हैरान हो जाओगे, जिहड़े कि लोगों नूं इंसाफ दिवाने वाले बतौर एस एच ओ जिहड़े डिवीजन नंबर 5 दे एस एच ओ रीचा रानी दे उत्ते हत्या का मामला दर्ज हुंदा है, जिहड़े कि लोगों नूं इंसाफ दिलांदे सी अज उन्हां दे उत्ते ही हत्या का मामला दर्ज हुंदा है। इह आखिर मामला है कि जानो इस रिपोर्ट दे विच। दीपक शुक्ला की मौत के मामले में अदालत के निर्देशों पर थाना डिवीजन नंबर 5 की रिचा रानी, 2 एएसआई रैंक के पुलिस कर्मियों व अन्यों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। एसीपी चितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि दीपक शुक्ला को एक मामले में पुलिस द्वारा काबू किया गया था, जिसे न्यायिक हिरासत में जब छोड़ा गया वहां उसकी मौत हो गई, जिस पर मृतक के परिजनों ने अदालत में केस दायर किया था। अदालत ने मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि आरोपी पुलिस कर्मियों ने उच्च अदालत में केस लगा दिया था, जिनकी याचिका खारिज होने के बाद उपरोक्त के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। अभी मामले की जांच जारी है। यहां आपको बता दें कि दीपक शुक्ला के परिजनों ने पुलिस पर उसकी हत्या का आरोप लगाया था। देखें यह खास रिपोर्ट। एक मुलजम सी मुकदमा नंबर 21 साल 2020 दा डिवीजन 5 दा 379-411 दा सी। उस विच एक दीपक शुक्ला नाम दे मुलजम नूं अरैसट किया गया सी, जिन्हों बाद पुछगिछ गिरफ्तारी ते पुलिस रिमांड खत्म होने तों बाद जेल छड्डिया गया सी, जो उहदी जेल जाके डैथ हो गई सी, जिस ते उहदे पेरेंट्स ने एक एप्लीकेशन पुलिस दे खिलाफ कोर्ट च दित्ती सी, जिस ते श्री विक्रांत कुमार हड़ीसा शाही ACGM सर ने पुलिस ऑफिशियल दे SI रिचा, ASI चरणजीत एंड ASI जसकरन दे ते अदर पुलिस ऑफिशियल दे खिलाफ FIR रजिस्टर करने लई लिखिया सीगा, जो उस ऑर्डर दे अगेंस्ट SI रिचा एंड अदर पुलिस ऑफिशियल वालों अपील पाई गई सी, जो कल डिसमिस हो गई, जिस ते मानयोग जज साहब दे हुक्म मुताबक FIR दर्ज कीती गई है। सब इंस्पैक्टर रिचा SHO डिवीजन 5 ASI जसकरन एंड ASI चरणजीत सिंह ते होर पुलिस मुलाजमान दे खिलाफ अंडर सैक्शन 188-342 एंड सैक्शन 12 कंटैम्प्ट ऑफ द कोर्ट दे अधीन दर्ज किया गया। नहीं, तफ्तीश पुलिस वालों पहला नहीं कोई हुई, तो हम पर्चा दर्ज करके तफ्तीश अमल च लिया देंगे, जो तफ्तीश फैक्ट्स होंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी।